गुरुदेव शिष्य मानू शिक्षा देवा अवसर में पचारे ए दुनिया रे किए शत्रु किए मित्र से कथा कलना करवा संभव नुहे केत शत्रु मित्र परिणत हो पुणी केत मित्र शत्रु भी परिणत हो जाए तुमको आज गोटे गप कहुची शुण चित्तपुर राज्य राजूती करुले राजा धर्मगुप्त से जड़े सुशासक थिले हठात दिने राति रे सेनापति प्रासाद अवरोध करी राजा राणी आउ राजपुत्र को असी मुन भयभीत करी ठेली ठेली नहीं जाए प्रासादर गोटे कोठरी रे कारारुद्ध करदेले परदिन से निजे सिंहासन रे बसिले तांकर ए कार्यरे जिए प्रतिवाद करिवो बा बाधा देव से मृत्युदंड पाइबो बोली समस्तंक भीतर घोषणा करदेले ए अप्रत्याशित घटन राज्यर लोके स्तब्ध होइगले किंतु राजांकु जेऊ घरे बंदी करा जायथिला से घर भितरु गोटे गोपन सुडंग बण भितरकु लंबी जायथिला राजा एकाकी से सुडंग भितर दे जाय बणरे बाहरले से चालु थांती हठात जणे अश्वारोही आसी तांकु अटकाइला ओ कहिला तू पिंधितबा सुना हार आउ रत्न मुदिटी मान मते दे दे नहले मरिबु मु हेउछि डाकू विकट बर्मा डाकू विकट बर्मा निकट अतीतरे से मुलकरे भीषण उपद्रव करुथिला ताकू राजा धरिबक चेष्टा करुथिले मात्र पारु नथिले वर्तमान किंतु राजा चुपचाप सुनाहार आउ रत्नमुदी ताकू बढ़ाई देले ओ मृदु हसी चालिबाकू आरंभ कले डाकू आश्चर्य होई कहिला रह तमे किए देखुची तुम्हें मत टे डर ना कि प्रतिवाद भी कल ना एत मूल्यवान जिनस पुणी मत समर्पित दुखित भी हलना सत कह किए तुम मुझे राजा धर्मगुप्त मो सेनापति मो पछरे षड़यंत्र कर मत मोर सिंहासन को माड़ बस तुम्हें ता तुलन प्रशंसनीय कारण तुम्हें अंततः आग को आसी मत धमक दे मोर जिनस नेल से हसिली राजा कहले डाकू घोड़ारू ओह्ल पड़ी राजा को नमस्कार कला और कहला महाराज मोर दस्यु दल धरी मुझे सेनापति हमला करने को प्रस्तुत राजा कहले धन्यवाद जदि तुम साहय लोड़ा हेब तेबे मुश्चय तुमको खबर देवी राजा आउ कि बाट अग्रसर होती देखिले गोटे राक्षस गोटाए शुकर को धरी पकाई खावाक उद्यत होकर भीषण रड़ी छाड़ थाए राजा न देखला भली आग को चलले तमें किए राक्षस आश्चर्य हो पचारा और कहला मो भे राक्षस आगे तुम टिके भी छानिया न होकर आग को चली जाऊ राजा कहले मु राज्यर राजा धर्मगुप्त यापर से किपर सेनापतिर विश्वासघातकता जो बंदी हेले से कथा वर्णना कले राक्षस सब शुणी कहला तुम्हें खाली राजा नुहे वीर तुमको साहय कले मोर पुण्य हेब मुतिपाई से विश्वासघातक सेनापति सह लड़ाक प्रस्तुत धन्यवाद तुम प्रयोजन हेले मुश्चय तुमको खबर देवी और तुम साहय ग्रहण करी एत कही राजा चलीगले राजा जा बैशाड़ी नगरी में पहुँचले बैशाड़ीसह राज्य चित्तपुर बहु दिन धरी बद चली आस तथापि से जाए बैशाड़ी राजा को भेटिले और कहले महाराज दुई तीन पुरुष धरी आम दुई राज्य भितर शत्रुता रही तथापि मुझे आपण भिक्षा करने को आसी मोर विश्वासघातक सेनापति को आपण दमन करने को चाहे एति कह जदि दैवात केवे आपण राज्यच्युत हूँ तेब मु प्राणपात कर आपण सहायत करी बैशाड़ी राजा किसी समय चिंता करी कहले महाराज आपण सहायता करने को प्रस्तुत से संगे संगे निजर सैन्य बाहिनी धर्मगुप्त नेतृत्व में चित्तपुरी पठाइले से सैन्य बाहिनी साहाज्यरे राजा धर्मगुप्त अक्लेश सेनापति को पराजित कले ओ बंदी कले राज्य आनंदर लहरी खेलीगला यापर राजा दिने अरण्य भितर को जाई राक्षस को भेटिले ओ कहले शुण तुम्हें एठारे रहिबा फळरे प्रजा मैंने स्वच्छंदर अरण्य को आसी पारु नाहंती तुम्हें जेउठारु आसछ सेठी चल जाओ नगले राक्षस रुक्ष भावे कहला
राजा निज तरबारी उपर हाथ पकाइले ओ कहिले ए राज्य रे जणे राजा रहिबो नहले गोटे राक्षस रहिबो दुहे रही पारिबे नाही। राक्षस राजांक आडकु थरे अनाइ दे अरण्य छाड़ी चली गला। एहार दुई दिन परे राजा हठात दिने अरण्यर गोटे अंचल घेराउ करी डाकू विकट वर्मा को धरनेले। तार दस्यु दलर अन्य माने मध्य आत्मसमर्पण कले। एहार किछि दिन परे तांकर एक छोट प्रतिवेशी राज्य कानेश्वररु दूत आसी तांकु खबर देला कि बैशाली कानेश्वर उपर आक्रमण करिछि। निज राज्य रक्षा करबा निमन्ते कानेश्वर राजा चित्तपुर शरण नेछन्ति। राजा धर्मगुप्त संगे संगे निज सैन्य दल धरी कानेश्वर सीमांत पहुँचिले और युद्ध कर बैशाली सैन्य बाहन को परास्त कले। संगे संगे बैशाली राजा को मध्य बंदी कले। बंदी राजा धर्मगुप्त को कहिले देखुची आपण आमर दुई तीन पुरुषर शत्रुता को भूली नाहंती। धर्मगुप्त उत्तर देले महाराज मु भूली जीवा को आग्रही से दिगरे किछि पक्का व्यवस्था कले होता ना कि व्यवस्था। बैशाली बंदी राजा कौतूहल पचारे महाराज आपण को उवास में गोटे दिन रही थी से ही दिनक भितर मु आपणकर कन्या को मोर निजर कन्या भली स्नेह करी मोर पुओ तार उपयुक्त बरपात्र हेबो आपण ताकु मोर पुत्रवधु हेबाकु देबे कि धर्मगुप्त नम्र भावे पचारे। बैशाली राजा आनंद उत्फुल्लित होई कहिले महाराज एहाठारु बळी सुखकर प्रस्ताव आउ कौन हो पारे। प्रबल उत्साह और जाकजमक सहकारे विवाह अनुष्ठित हला। उभय राज्य भितरे स्थायी बंधुता हला। गपटी कही गुरु टिके रहिगले। तापरे पचारले पिलामानंकु अच्छा मोर केतेक प्रश्न अछि जेउ डाकू और राक्षस राजा धर्मगुप्तंकर सहायता करिबाकु प्रस्तुत थिले सेमानंकु राजा शत्रु रूपरे देखिले काहेकि। आउरी सबुठारु बड़ प्रश्न हला जेउ बैशाली राजांकर सहायता रे से निजर सेनापति को परास्त कले और निजर राज्य फेरी पाइथिले पुणि सेई बैशाली राजांकु से बंदी कले किपरि। शिष्य मानंक भितरु आनंद नामरे जणे चतुर शिष्य थिला से संगे संगे उत्तर देला गुरुदेव धर्मगुप्त डाकू ओ राक्षसर सहायता प्रार्थना करनथिले से दुहे निज आड़ राजा को साहाज्य करबा को कहुथिले। सेतबेले राजा धर्मगुप्त थिले राज्यहीन अतएव सेमानकु दमन करिवार दायित्व तांकर नथिला। तांको आगरे आसु कार्य थिला राज्य उद्धार। राज्य उद्धार हेबा मात्रे तांकर कर्तव्य हला प्रजामानकु भय ओ विपदरु मुक्त करिबा। तेणु राजा डाकू ओ से राक्षस को दमन कले। बैशाली राजा को से प्रथम जो शर्त देते ताहा से भंग करना से जेपरि बैशाली शरण नेबारु बैशाली राजा तांकु रक्षा कले सेहीपरि कानेश्वर राजा तांकर शरण नेबारु से कानेश्वर को रक्षा कले। ता छड़ा से बैशाली राजा सहायता रे निजर सिंहासन फेरी पाइथिले बोली से दुर्बल बोली अन्य राजांकर धारणा मध्य जन्मिथिबा स्वाभाविक। राजा से धारणा को बदलेबा को चाहुथिले तेणु से धारणा बदलेबा लागि बैशाली राजा को परास्त करिबा राजनीति दृष्टिकोण रु दरकार थिला। किंतु अंतर रे से बैशाली राजा को श्रद्धा करुथिले सेइथि लागि से तांक सहित बंधुतार प्रस्ताव देले। गुरुदेव अल्प हसी आनंदर मुंडरे हाथ रखिले। आपनकु गपटी केमिति लागिला कमेंट कर निश्चित जणाइबे। आमर चैनल रे जदि आपन नुवा तेबे एहाकु सब्सक्राइब करबाकु भूलिबे नाही। नमस्कार।